हाँ तो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली सभी लोग सेफ होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये सुनते ही हमें डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये बहुत सुनते आए हैं और बहुत देखा भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा चलती नहीं है, ज्यादा टिकती नहीं है, लोगों से वो मेंटेन नहीं होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप बड़ी आसानी से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को टिका सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है, अपने रिलेशनशिप पे कुछ रूल्स बनाओ। देखो दोस्तों, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है वो एक गेम की तरह होती है और हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ रूल्स बनाने हैं। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं छुपाओगे, हमेशा सच बोलोगे और वगैरह वगैरह। मैंने तो बस एग्जांपल दिए है, आप अपने रूल्स खुद बना सकते हो। एक दूसरे को ध्यान में रखकर आप अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं, और फिर अगर कोई गलती से इन रूल्स को तोड़ता है तो आप अपने हिसाब से सजा भी दे सकते हैं, वो आप तय कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 है, ज्यादा बातें मत करो। जो लड़के लड़कियां लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, उनको ये लगता है कि उनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा बातें करके मिटा सकते हैं, लेकिन इससे आपकी रिलेशनशिप खराब होती है। ऐसा इसलिए, आप रोज एक दूसरे के साथ घंटों तक बातें करते हो, इससे आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और फिर आपको रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो इसी वजह से आपकी और बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप जो है वो टूट जाती है, क्योंकि वो बोरिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत ही कम बातें करनी है, मतलब कि आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि आप कब एक दूसरे के साथ बातें कर सके। जैसे कि अगर वो 2 बजे के बाद फ्री होती है, मतलब कि आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो दोपहर को 2 बजे के बाद फ्री होता है या फिर होती है, तब आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, या फिर आप आराम से बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि आप कब एक दूसरे के साथ बात करने के लिए फ्री हो सकते हैं, तब आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आपको मिनिमम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बातें करनी है, बस इससे ज्यादा बात मत करना। तो टिप नंबर 3 है, एक साथ कुछ फन चीजें करो। मुझे पता है आप लोग क्या कहने वाले हैं, भाई हम एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। मेरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो यार, ये डिजिटल इंडिया है, इंटरनेट तो सबके पास है, आप इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ बहुत सारे फन चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप एक दूसरे के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स है जो आप एक दूसरे के साथ खेल के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग करके कहीं पर लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, या फिर डेट के लिए जा सकते हैं। ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट का कैसे फायदा ले सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो टिप नंबर 4 है, अरे रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, वो जो लाल वाला बटन उसको दबा दो, 2 सेकंड लगते यार, प्लीज कर दो यार, आपका भाई खुश हो जाएगा। तो टिप नंबर 4 है, एक दूसरे को मिलो। अगर आप दोनों अलग अलग शहर में रहते हो तो आप उसको मिलने के लिए कभी उसके शहर चले जाना, कभी उसको मिलने के लिए उसको आपके शहर में बुला लेना, वो आपको अपना शहर घुमा देगी, आप उसको अपना शहर घुमा देना, ऐसा करके आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। अगर आप दोनों के शहर एक दूसरे से बहुत दूर है तो आप कहीं पे बीच में आके मिल सकते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। तो टिप नंबर 5 है, एक दूसरे को लेटर लिखा करो। मुझे पता है आज के जमाने में कोई लेटर नहीं लिखता है, लेकिन यार अगर आप ट्राई करोगे तो यार ये बहुत ही रोमांटिक चीज होगी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपका लिखा हुआ लेटर पढ़ता है तो वो जो फीलिंग होती है ना यार, क्या बताओ यार मैं आपको, क्या ही फीलिंग होती है वो। तो यार आप एक दूसरे को लेटर जरूर लिखना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, ये चीज आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो टिप नंबर 6 है, एक साथ घूमने का प्लान बनाओ। अगर आप एक दूसरे से बहुत लंबे समय से मिले नहीं हो तो आप साथ में घूमने का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों अकेले जा सकते हैं या फिर आप दोनों अपने फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी घूमने की जगह है, साथ में घूमने का यह फायदा होता है कि आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है और आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो साथ में जरूर घूमने को जाना। तो दोस्तों ये वो 6 टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको टिका कर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश, स्टे कूल, स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैस्ता ला विस्ता।